एक बेसिक आर्गुमेंटेशन चल रहा है उसमें नामक लेक्चर पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और वो क्वेश्चंस आपके पाली फंक्शनल ग्रुप पर हैं। अब वो क्वेश्चन आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपको सीखने में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आज वो क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, हम ये जानेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर नेमिंग और नेमिंग के बेसिस पर स्ट्रक्चर। आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर नेमिंग और नेमिंग बेसिस पर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आज हमारा ये 5 मिनट का एपिसोड में आज हम स्टार्ट करते हैं कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं उसकी नेमिंग करना सीखते हैं, इस क्वेश्चन की नेमिंग करना सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिखा है, आपको एक चैन दी गई है, ये चैन आपको दी गई है। अब इस चैन में आपको ये करना है कि नंबरिंग कहाँ से की जाए, इस चैन में नंबरिंग कहाँ से की जाए। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले अगर हम लोग नंबरिंग आप इस इंड से अगर इस इंड पर जाएँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो रही है रिलेशन, 7 नंबर की हो रही है। अगर हम इस ब्रांच में करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कुल मिलाकर ये जो आपकी लीनियर चेन है ये सबसे लॉन्ग चेन है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि लॉन्ग चेन पैरेंट चेन का सिलेक्शन, तो लॉन्ग पैरेंट चेन का हम सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन जब करेंगे तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पैरेंट चेन पर 1, 2, 3, 4 पर ब्रांच चेन है, इधर भी 1, 2, 3, 4 पर है, तो नंबरिंग हम कहीं से कर सकते हैं। फिर नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग जब इसको देखते हैं क्या हो गया, 1 होगा 2 होगा 3 ये होगा आपका 4 ये आपका होगा 5 ये होगा आपका 6 ये आपका होगा 7 ये नंबरिंग किया गया। प्रश्न ये बना जो 4 पर आपको लगा हुआ है, 4 पर जो लगा हुआ है ये तो आपका प्रीफिक्स हो गया, साइन चेन में गया। अब ये साइन चेन में आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इस तो पहले नेमिंग तो साइन चेन की होगी, प्रीफिक्स की होगी। रूट वर्ड आपने पा लिया, 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट होता है, और ये सब सिंगल बॉन्ड हेप्टेन है, ये तो मिल गया। लेकिन ये साइड चेन की नेमिंग कैसे करेंगे, ऐसे ग्रुप की साइड चेन की नेमिंग करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जो आपको सर लगे उसको यूज करो। तो पहला तरीका ये है, ये जो आपका ग्रुप लगा हुआ है ये क्या है ये जो ग्रुप लगा हुआ है आपका ये आइसोप्रोपील है। अगर ये आइसोप्रोपील है तो इसको हम देखो पहले नेमिंग करने का तरीका करते हैं कि इस 4 चैन पर इसको अगर हम लिखने का तरीका देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पर प्रीफिक्स हमारा क्या लगा हुआ है, 4 पर लगा हुआ है क्या, इसको 4 पर आइसो प्रोपील हो जाएगा, आइसोप्रोपील 4 पर आइसोप्रोपील हो जाएगा। और रूट वर्ड कितने, 7 मतलब क्या होगा, हेप्ट होगा। अब सब सिंगल बॉन्ड है, ये हो जाएगा हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन, आइसोप्रोपील हेप्टेन हो गया। इसकी नेमिंग आइसोप्रोपील हेप्टेन होगी, फर्स्ट नेमिंग ये आप देख पा रहे हैं ये होगी 4 आइसोप्रोपील हेप्टेन। मैं सेकंड नेमिंग आपको करना सिखाता हूं। सेकंड नेमिंग करता क्या है कि साइड चेन में भी हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। अगर इस नंबरिंग करें, साइड चेन में अगर हम नंबरिंग करें तो क्या बता रहा है आप खुद देख पाएंगे, साइड चेन नंबर लिख करेंगे ये पोजीशन क्या होगा, 1 होगा, ये क्या होगा, इस पोजीशन पर हम देखें ये पोजीशन क्या होगा आपका, ये पोजीशन आपका होगा 1 और ये पोजीशन क्या होगा 2। इस साइड चेन में भी 1 पर एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। इसकी नेमिंग करने का सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूं, सेकंड तरीका इसका क्या होता है। अब इसका सेकंड तरीका अगर आप देखेंगे, इसका सेकंड तरीका ये होता है, इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये क्या है तो 4 पर क्या लगा है, ये 4 हो गया, ब्रैकेट ये हाइट पर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आप हो जाएगा 1-methyl, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1-methyl हो जाएगा, 1-methyl, 1-methyl, ये कितने कार्बन चेन है, 1-2, इसका मतलब ये 1-methyl 1-2 जो आपका होगा इथिल, क्या हो जाएगा, इथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथिल। तो पाएंगे क्या नाम, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब पूरे कार्बन कितने हैं, 7 मतलब क्या हो जाएगा, फिर से भी ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऐसे नंबरिंग के जो ब्रांच चेन हो जिसको नंबरिंग, 4 पर ही प्रीफिक्स में है लेकिन 4 में जो आपका जो प्रीफिक्स लगा हुआ है उसमें भी प्रीफिक्स बना हुआ है। तो ऐसे करने का 4 पर क्या है, नंबरिंग करते हाइफन ब्रैकेट में, 1 पर क्या है, मिथाइल है, और पूरी पैरेंट स्थिति है 2 कार्बन की, 2 कार्बन का मतलब एथिल होता है, लेकिन साइड चेन में ही है इसलिए इसको एथिल ना करके क्या लिखा गया, इथाइल लिखा गया, ये आपका हो गया मिथाइल, 1-methyl इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, हेप्टेन, या इसको लिखे 4-isopropyl हेप्टेन, ये पहली नेमिंग हुई। नाउ सेकंड नेमिंग आते हैं, सेकंड क्वेश्चन आते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन है, अभी सेकंड क्वेश्चन का देखें भैया, यहाँ पर तो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं,
ये भैया सभी तो बड़े बड़े को कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है यहाँ तो किंग ऑफ द फंक्शन हो, ये तो किंग ऑफ द फंक्शन रूम में लगा हुआ है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से किंग ऑफ फंक्शन रूम को पाएंगे तो नंबरिंग क्या किया जाए, यहाँ से करेंगे वन, ये किंग ऑफ फंक्शन रूम इसके सामने तो सब अच्छे अच्छे ढेर हो जाएंगे। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे वन, ये क्या होगा टू, ये होगा थ्री, ये होगा फोर, ये आपका होगा फाइव और ये आपका हो जाएगा सिक्स। चलिए नेमिंग करते हैं। जब इसकी नेमिंग करेंगे अब नेमिंग में क्या होगा, अब आप खुद समझ पा रहे हैं कि ये आपका एल्डिहाइड है साइड में चला गया, ये आपका क्या है एमीन है ये भी साइड में गया, और जब एमीन साइड में जाता तो एमीनो हो जाता है, और जब एल्डिहाइड साइड में जाता तो क्या होता है फार्मिन हो जाता है। तो बताओ क्या किया जाए, प्रीफिक्स में दो गए कि नहीं, तो भाई किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सामने तो सब हो गए साइड, तो साइड लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा एमीनो, इसका होगा फार्मिन, अल्फाबेट कौन पहले आएगा हम इसको लिखेंगे फाइव फाइव एमीनो, ये क्या होगा फाइव एमिनो, टू पर क्या है टू फार्मिन आपका टू फार्मिन हो जाएगा फाइव एमिनो टू फार्मिन। नंबर ऑफ रूट वर्ड कितने बताओ, रूट वर्ड सिक्स, सिक्स मतलब आपका हेक्स होगा, सब सिंगल बॉन्ड लगे हैं, हेक्सेन होगा, हेक्सेन होगा, वन पर क्या लगा है कोई, तो ये आप हम लिख सकते हैं हेक्सेन वन ओइक भैया हट जाएगा साइड में जाएगा, तो नंबरिंग कहाँ की जाएगी, नंबरिंग यहाँ होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कार्बन की चैन हो गई। अब आप बताएं सिक्स पर हाइड्रोक्सी है, फोर पर मिथाइल है, अल्फाबेट में कौन आएगा हाइड्रोक्सी आएगा तब मिथाइल आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा तब मिथाइल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसकी नेम में लिखेंगे सिक्स सिक्स हाइड्रोक्सी, सिक्स हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल, फोर मिथाइल, फोर मिथाइल हो गया, कितने कार्बन चेन है सिक्स, सिक्स मतलब क्या होगा हेक्स होगा, सब सिंगल बॉन्ड हेक्सेन होगा, और इसमें क्या होगा हेक्सेन वन पर क्या जाएगा हेक्सेन वन क्या होगा वन आपका होगा नाइट्राइल, हेक्सेन वन नाइट्राइल, हेक्सेन वन नाइट्राइल हो जाएगा, सिक्स हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल हेक्सेन वन नाइट्राइल, नाइट्राइल आपका मिल गया, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर इसका हुआ। नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इन है यहाँ पर आल है, आल तो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, आल के सामने इन तो गायब हो जाएगा भाई, आल है एल्कोहल है इसके सामने इन गायब हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ करेंगे यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स करेंगे, सिक्स करेंगे क्योंकि पाली फंक्शन ग्रुप में एपीआईटी सबसे हाईएस्ट होता है आप खुद देख पाएंगे। तो ये ध्यान दें प्रीवियस लेक्चर को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दें प्रीवियस लेक्चर को देखें उसमें आपको ऑर्डर दिया गया है, तो जब ये हो गया तो बताओ ये आपका सेकेंडरी सफिक्स ये कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स रहता है एन इन आयन प्राइमरी सफिक्स होता है और आपका आल सेकेंडरी होता है, रूट नंबर सिक्स, सिक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका हो गया हेक्स, हेक्स हो गया, हेक्स के साथ अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है फाइव पर क्या है इन है वन पर क्या है ऑल है, हम इसको लिख सकते हैं हेक्स, हेक्स फाइव पर क्या है हेक्स फाइव इन और वन पे क्या है वन पे क्या है ऑल, हेक्स फाइव इन वन ऑल, हेक्स फाइव इन वन ऑल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फाइव क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबरिंग कहाँ से की जाए, यहाँ से वन टू पर डबल बॉन्ड है, वन टू पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट पर ही साइड चेन है, नंबरिंग यहाँ से वन और बताइए थ्री पर क्या लगा हुआ इन लगा हुआ है
पेंट थ्री पर क्या हो जाएगा आपका, हम इसको लिख सकते हैं वन क्लोरो पेंट थ्री या वन क्लोरो थ्री पेंटीन भी लिख सकते हैं। ये आपका हुआ फाइव क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ब्यूटा वन थ्री डाई, मतलब आपको लिखा या नेमिंग लिखी गई स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटा वन थ्री डाई। तो बताओ ब्यूटा क्या है, ब्यूट मतलब पेरेंट्स एंड थ्री कार्बन, चार कार्बन के पेरेंट्स एंड बना लो, चार कार्बन पेरेंट्स बना लो, चार कार्बन पेरेंट्स बना लो, कार्बन 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 बन गया। अब बताओ कहां जरा वन पर और थ्री पर क्या है, इन है, तो भैया लगा दो एक वन पर ही लगा दो, वन टू थ्री पर लगा दो, हो गया वन टू थ्री पर लग गया। अब जो बैलेंस बच गया हाइड्रोजन दे दो, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, दो, चार हो जाएगा, इसको कितने चाहिए एक, इसको कितने चाहिए एक, इसको कितने चाहिए दो, लगा दो भाई दो लगा दो। ये आपका हो गया, ये आपको हो गया वन थ्री ब्यूटा डाइन, ब्यूटा वन थ्री डाइन हो गया, हो गया आपका कमाल का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आते हैं टू मिथाइल थ्री क्लोरो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल लिखा गया है, अल मतलब अल मतलब एल्डिहाइड, और यहाँ पोजीशन नहीं दिया गया है, पोजीशन जब नहीं दिया गया मतलब एक है। अरे भैया आपको एक बोला जाए और नहीं बोला जाए, आप तो एक ही पर्सन है, हम तो एक ही पर्सन है, अगर कहा जाए आप अकेले हैं, आप हैं एक ही होगा, तो वही चीज होता है यहाँ पर ब्यूटेनल। रूट वन बनाओ कितने कार्बन है, चार का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, फोर पर क्या लगा हुआ है, अल लगा है, अल लगने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर देखो पहले ब्यूटेनल, अब इसके इस पर पहले लगा दो, पहले पोजीशन क्या लगा दो, सी एच ओ, सी एच ओ का यही होता है, सी एच ओ हो गया, सी एच ओ हो गया, नहीं सी एच ओ अल होता है, सी एच ओ बन गया, नहीं यही आपका होता है सी एच ओ अल, अल बन गया पहले पोजीशन पर। दूसरे पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, मिथाइल लगा दो, मिथाइल मतलब सी एच ओ लगा दो, और फिर गलत तीसरे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा दो, तीसरे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा दो, तो भैया तीसरे क्लोरो हो गया। अब तीसरे पर आपको क्लोरो लग गया, अब ये बताओ इसके साथ जितनी बैलेंस सेटिस्फाई है सबको सेटिस्फाई करो, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा दो, वन टू थ्री, वन टू और ये हो गया सी एस थ्री, ये इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा, एक इसके साथ कितने लगा लेंगे, ये आपको हो गया बैलेंस, ये आपका बैलेंस हो गया। अब ये आपका बैलेंस हो गया, अब आपको दिक्कत क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, अब ये आपका हो गया स्ट्रक्चर बन गया। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रोपाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रोपाइन, तो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्रोपाइन, इसको हम देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये आपका है थ्री साइनो, ये थ्री साइनो लिखा गया है, ये आपको थ्री साइनो है, थ्री साइनो, थ्री साइनो फाइव ब्रोमो है, ये फाइव ब्रोमो है, और पेंटेन टू ओन है, पेंटोन टू ओन है, ये पेंटेन है, थ्री है पेंटेन, तो बता इसमें रोटवर्ड कितने कार्बन का है, पांच कार्बन पहले बना लो, पांच कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गया, दो पर क्या लगा दो, ओन लगा दो, लगा दो ओन, ओन मतलब ओन हो गया, फाइव पे क्या है ब्रोमो लगाओ, थ्री पर साइनो लगाओ, वन टू थ्री, थ्री पर क्या लगा दो साइनो, सी एल लगा दो, वन टू, टू पर है ओन, वन टू थ्री फोर, फाइव पे क्या है ब्रोमो, बताओ वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पर अगर क्या लगा देंगे, फाइव पर आपका लगाएगा ब्रोमो लगाया जाएगा, तो फाइव ब्रोमो, यहाँ पर फाइव ब्रोमो लगा दो, अगर इसको देखें तो फाइव ब्रोमो, ये ब्रोमो, ये आपका जो ब्रोमो है, इस ब्रोमो को हम फाइव न करके फोर करते हैं, इसको क्या करते हैं फोर, ये आपका ब्रोमो क्या है फोर, ये फोर ब्रोमो है, क्या है फोर ब्रोमो है, वन टू थ्री फोर, फोर पर क्या है आपका ब्रोमो है, ये ब्रोमो हो गया। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, इसके साथ कितने हट चाहिए, तीन, हमने इसको सी एस थ्री दे दिया, ये बैलेंस हो गया, इसको कितने हट चाहिए एक, इसको कितने चाहिए एक, हमने इसको क्या कर दिया सी एस थ्री, ये बैलेंस हो गया, ये बताओ ये बैलेंस हो गया, इसकी नंबरिंग करें तो वन, ये क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर, और ये क्या होगा फाइव, ये आपका हो गया, बताओ टू पर लगा के बताओ, ये रूट वर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं प्रोपाइन, नाउ नेक्स्ट क्या कर रहा है प्रोपाइन, प्रोपाइन है ये आपका प्रोपाइन है, ये आपका प्रोपाइन है, इसको देखें, इस प्रोपाइन को देखें, ये आपका प्रोपाइन है, प्रोपाइन का मतलब क्या होता है, थ्री कार्बन
अब वहां लगा है तो थ्री का बना लो, एक दो और तीन, प्रोपीन हो गया, प्रोप हो गया। अब आयन लगाना पोजीशन नहीं दिएगा, समझ लो एक पर लगेगा, लो भैया लगा दो यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब बैलेंस कर दो, इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो, कितने होंगे, एक होगा। इसके साथ कितने होंगे, ये तो पूरा बैलेंस, इसके साथ कितने होंगे, तीन होंगे, वन टू थ्री, ये आपका हो गया। इसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्या बताओ, इसको लिख सकते हैं सी एस थ्री, क्या लिख सकते हैं सी एस थ्री, फिर क्या होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये आपका हो गया प्रोपाइल। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट, ये इसका आंसर देना हमें, नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को देखना है, तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जब देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग जब की जाएगी तो ये भाई सिंगल लगा है, किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक है, तो नंबरिंग कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो यहाँ से करेंगे फंक्शनल ग्रुप करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा नाइट्राइल है, वन टू थ्री फोर और फाइव, चलो इसकी नेमिंग करते हैं। जब इसकी नेमिंग करेंगे तो बताओ टू पर क्या लग जाएगा, साइड में चला गया, फोर पर मिथाइल है, टू पर इथाइल है, तो अल्फाबेट में बताओ किसको प्रायोरिटी देंगे, अल्फाबेट में किसको प्रायोरिटी देंगे, अल्फाबेट में किसको प्रायोरिटी देंगे, तो बताओ अल्फाबेट में कौन प्रायोरिटी में आएगा, तो अल्फाबेट में आपका आएगा इथाइल, तो दो पर क्या आ जाएगा, टू पर आ जाएगा इथाइल आ जाएगा, टू इथाइल हो जाएगा, और बताओ फोर पर क्या हो जाएगा, फोर पर आपका क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, फोर पर क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, कितने कार्बन हैं पांच, पांच मतलब क्या हो जाएगा पेंटेन, पांच मतलब पेंटेन, वन पर क्या लगा है नाइट्राइल, वन पर क्या लगा है नाइट्राइल, बताओ इसका नाइट्राइल होता है सफिक्स, नाइट्राइल हो जाएगा, टू इथाइल फोर मिथाइल पेंटेन वन नाइट्राइल, ये आपकी क्या था टेन क्वेश्चन की सीरीज थी, इस टेन क्वेश्चन की सीरीज आपकी कंप्लीट हुई। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चंस, इस पर क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इससे और अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप सब कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें।